नमस्कार बेस्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय किशन सिंह एकलव्य। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी ने निवेश पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश को भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ इंजन बनना ही होगा। पहले व्यापारी भय के साथ व्यापार करता था, क्योंकि सत्ता के साथ में गुंडा और माफियाओं का साथ चला करते थे। महिलाओं एवं व्यापारियों में सुरक्षा का भय बना रहता था। भाजपा की सरकार ने इस भय को खत्म करने का काम किया है और व्यापारियों को एक सुरक्षित माहौल भी दिया है। यह उद्बोधन सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारघर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में दिया। गुंडे माफियाओं का जीना हुआ दुश्वार। सीएम योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज गुंडा माफिया और अपराधियों का उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जीना हराम कर दिया है। यह लोग आज मारे मारे फिर रहे हैं और कई जगह कई थानों में तो ये भी देखने को मिला है कि गुंडे माफियाओं गले में तख्तियां लटकाकर थाने पहुंच रहे हैं और अपनी जान की भीख भी मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि हम खेल लगा लेंगे लेकिन गुंडागर्दी नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ इसी सुरक्षा की गारंटी देने आया हूं। आगरा को मिली है अलग पहचान। उत्तर प्रदेश में आगरा की एक अलग पहचान है, लेकिन पिछली सरकारों ने आगरा के विकास को कोई तवज्जो नहीं दी। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने आगरा में मेट्रो, गंगाजल, एयर कनेक्टिविटी सहित तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो लंबे समय तक याद किए जाएंगे। सीएम ने प्रबुद्ध जनों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वह आगरा एवं आसपास के लोगों को यहां पर निवेश करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आगरा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने ताजनगरी में विकास को गति देने का काम कर रही है, उसको थमने नहीं देना चाहिए। आगरा वासियों को बहुमत के लिए बधाई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा में ताजनगरी के लोगों ने बम्पर वोटिंग भाजपा के पक्ष में दी और सरकार बनाई, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरवरी 2023 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश को देश और प्रदेश में एक अलग पहचान मिलेगी। 488 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के दौरान आगरा वासियों को लगभग 488 करोड़ की 88 परियोजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं के माध्यम से आगरा का विकास होगा, आगरा की सूरत और सीरत बदली जाएगी, साथ ही जिले की सैकड़ों सड़कों का भी जीर्णोद्धार और सुधार किया जाएगा। म्यूजियम के कार्य के नाम पर जो तमाशा बनाया गया था, आज भी मानसिकता बदली नहीं, मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था। हमने कहा भी आगरा को मुगल की नहीं, बल्कि आगरा को छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है और आगरा के इस म्यूजियम को भी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर समर्पित किया है। भैया बोलो, आगरा किसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां के पॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां पर TDZ के दायरे में आगरा को लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो भाइयों बहनों उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि आप IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र का हम प्राथमिकता देंगे। यहां उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहां पर रोजगार के नई सुविधाओं का आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि आम जन की सुविधा के लिए भी, और भाइयों बहनों फ्री में हर गरीब को महीने में दो दो बार राशन की सुविधा जो उस समय दी गई थी, यह सरकार की संवेदनशीलता को ही प्रमाणित करता है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज एयरपोर्ट इसको और अच्छा बनाने की दिशा में प्रयास हम कर रहे हैं। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करके अविरल और निर्मल बनाने की कार्रवाई एक नए ओर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी, कभी ये कल्पना थी आज ये साकार होता रहा दिखाई दे रहा है और इसलिए भाइयों बहनों ये सब संभव हो पाया है क्योंकि आगरा एक स्वच्छ शहर के रूप में, आगरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में,
आज आगरा एक सुरक्षित सिटी के रूप में आज अपना स्थान प्राप्त किया, तो इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के योजनाओं को डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ाया और स्थानीय निकाय की संस्थाएं जब इसमें योगदान देने लगती हैं, सकारात्मक भाव से कार्य करती हैं और प्रबुद्ध जन का सामिज्य इन पूरी योजनाओं को जब प्राप्त होता है, उनका समर्थन प्राप्त होता है, तो भाइयों बहनों उसके परिणाम उसी रूप में सामने देखने को मिलते हैं जैसे आज आगरा के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और आगरा के इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए, ये लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में आए हैं। आपके इस अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर उस नागरिक को जो पात्रता की श्रेणी में है, अभी उसे आवास नहीं मिला है, आवास सरकार उसको अवश्य उपलब्ध करवाएगी। हर उस व्यापारी को, हर उस नागरिक को जो व्यापार करना चाहता है सुख और शांतिपूर्ण माहौल में, लेकिन उसकी व्यवसाय की सुगमता में कुछ बैरियर थे, उन बैरियर्स को समाप्त करके व्यवसाय की सुगमता के लिए, इस ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी आसान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपने मार्बल में और लेबर आइटम में अपना एक स्थान बनाया है, उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हम सब विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़े। हमने 10 से 12 फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को देश के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनना ही पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे जो माफिया अपराधी पहले सत्ता के साजिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का जीना हराम कर देते थे, आज इन माफिया और अपराधियों का, पेशेवर संगठित अपराधियों का हमारी पुलिस ने जीना हराम कर दिया है। अब ये मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे अपने गलों में तख्ती लटका करके घूमते हैं और इस बात की गुहार करते हैं कि साहब अब हम ठेला लगा करके सब्जी बेच लेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे, जान बचक बकस। सही खबर, तेज नजर, बढ़ते कदम विकास की ओर, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक आवाज, ब्रश टीवी आपको रखे सबसे आगे।